हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद अच्छाम। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो काफ़ी मजे का होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ, देखते हैं आज जिम में क्या क्या होता है। तो आपको आते हैं फिलहाल, अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम जा रहे हैं गुलशन इकबाल पर, शायद ना भी जाएँ, अगर गए तो आपको दिखाते हैं, उधर जाके इंजॉय करेंगे फुल। तो चलो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अभी यार नेट बहुत ज़्यादा ना ख़राब चल रहा है, तो यार इसकी मैं कंप्लेन करके आनी है। पीटी सर इतना कोई गंदा नेट है यार, जिसकी कोई इम्तिहान नहीं, बहुत ही गंदा नेट है। 12 MB हमने स्पीड करवाई है, 12 MB पता कितनी ज़्यादा है, लेकिन उसी हिसाब से ये 12 MB परफॉर्म नहीं करता, मतलब इतनी उसकी नहीं आती। अभी 1 MB कोई आ रही होगी, तो अभी चलते हैं यार कंप्लेन करवा के आते हैं। पीटी सेल मैं कोई ज़िंदगी में मशवरा दूंगा, पीटी सेल कभी ना लगाना। आज शायद नेट भी चेंज करवा लें, तो चलो कंप्लेन जाके करते हैं। चलते हैं, बाइक खड़ी है सामने, बंद हो जा। पहुंच चुके हैं ये सामने, यूफोन पीटी सेल का है ऑफिस, इधर जाके कंप्लेन करवाते हैं। चलो आ लिए कंप्लेन यार, अभी चलते हैं घर। भाई किधर खड़ी थी, तो चलो चलते हैं। ये अभी हम जा रहे हैं, मौसम चेक करो, फुल लेवल हुआ हुआ है, भूख बड़ी लगी है। तो फिलहाल अभी यार किचन की हालत को इग्नोर करो, अभी जो है चाय बनाते हैं। आपको मैं सिखाता हूँ चाय कैसे। देश की सबसे पहले आपने लेनी है, साथ एक डोलू लेना है, तो इसके अंदर आपने डालना है दूध। अभी दूध लेते हैं जाके, किचन की आपने हालत को इग्नोर करना है, ठीक है। सबसे पहले और दूध डालना है इसके अंदर, आप पानी डालना है, और उसके बाद आपने डालना है एक डोलू पानी। अगर आपने मज़े वाली चाय पीनी है तो आपने उसके अंदर ना मतलब दूध ही डालना, पानी नहीं डालना। और उसके बाद आपने जो है ना थोड़ी सी पत्ती डालनी है, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी, ये देखें एक अदद, थोड़ी सी पत्ती डालनी है, इतनी कम भी नहीं डालनी, थोड़ी सी और बस। चीनी, चीनी डाल ली, और अब आपने जो है इसकी आग को कर देना है तेज़ तेज़ आग। आपने इंतज़ार करना है 5 मिनट, 2 उबालों का इंतज़ार करना है, और उसके बाद जो आपकी चाय ऐसी मज़े की तैयार होगी, ऐसी मज़े की तैयार होगी, आप यकीन मान। अभी जो है अभी साइड से बुलबुले फूलने शुरू हो गए हैं, तो अभी इसका इंतज़ार करते हैं, 2 उबाले जब तक आएंगे ना तब हमने इसको उतारना है। अभी बस, वैसे तो मैं ब्रेड खाता हूँ, लेकिन जो है ना अभी ये खाने पड़े, तो क्योंकि वैसे आज जो हमने का रस खा के देखते हैं, तो अभी इंतज़ार करते हैं इसका 2 उबालों का। ये देखें अभी स्टार्ट हो रहा है खाना, पत्ती थोड़ी कम डाल दी है, लेकिन ऐसी ही लज्जत वाली चाय, करारी चाय। तो अभी फिर इंतज़ार करते हैं, ये देखें मेरे इस तरह करते करते ही पहला जो है उबाला आ गया इसका, बड़ी जल्दी नहीं आ गया। आपने जो है ऐसे मिक्स करना है, ओके, ऐसे मिक्स करना है, और इसको कहीं रख देना है ऊपरली जगह पर, ऐसे रख दिया, ठीक है। और अब इसका दूसरा भी आ गया, ये देखो हल्की आंच पे कर दिया, तो अभी मैं पानी धोता हूँ। हमारी जो है पानी भी धुल चुकी है, और हमारी जो चाय है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको उतारते हैं। अब हम ये थोड़ी चाय बनाई है, चेक कर, ऐसे किया, इसको भी डाला इधर, ये डाल दी चाय अंदर, जो है चम्मच भी निकाल चुके हैं, इधर रख देते हैं, इसको इधर रख देते हैं, और इसको इधर रख देते हैं, इसको लगा दो। उन्होंने चुका हमारा पीसी, शेर है हमारा छोटा सा पीसी। अब ये है हमारी चाय। तो यार फिलहाल अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं और सभी भाई जो है अभी हम दोनों जा रहे हैं जिम। मैं भी ट्रायल पे जा रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर मैं मतलब वर्कआउट शुरू कर दूंगा, फिर मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँगा। तो टेस्ट करते हैं ज़रा जाके, देखते हैं। चलो अभी जाने दो सभी भाई। कराते हैं विजिट, ये सबसे अच्छा जिम है इधर का, चेक करो, वेलकम शेप अप जिम। चलो आपको दिखाते हैं। अरे एक बात है, इधर की जो मशीनें हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई हैं, मतलब कि इनके ऊपर ना पूरा बताया भी हुआ है कि ये इस तरह यूज़ करनी है, चेक करो बॉडी पोजीशन। तो एसी भी साथ।
बहुत हो चुकी है जिम, तो अभी चलते हैं घर। चलो अच्छा ये जिम बहुत बेस्ट है, इसके अंदर काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी है। तो हाँ इधर मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की ना मशीनरी यूज़ की जाती है। तो अगर आपने भी इधर ये ज्वाइन करना है तो ये जिम है सामने, ये मतलब यार ये फरूक अबू बकर हॉस्पिटल नहीं, सामने अबू बकर हॉस्पिटल है। और ये जो साइड में मोड़ नहीं मुड़ता है, MCB बैंक के ऊपर है ये जिम। तो किसी भाई ने भी करना हो तो कर ले, इधर बहुत अच्छी जिम है। अभी फिलहाल सीन कैसा है, अभी मैं और ज़ियाम अगेन बाइक मेरे पास है ना, अभी मैं और ज़ियाम अगेन अभी हम दोनों जा रहे हैं कुछ फास्ट फूड खाने। मैं सोच रहा हूँ पिज़्ज़ा बर्गर खा। तो यार ये मेरा ना इस वीक का बस अब लास्ट फास्ट फूड है, इसके बाद कोई फास्ट फूड की वीडियो नहीं आएगी व्लॉगिंग में। मतलब मैं कहीं घूमने जाऊँगा इंशाल्लाह, अब मैंने कोई ना मतलब बाहर की कोई चीज़ खानी है, और तबाही उतारती है यार। तो अभी बस सीन ही है, अभी हम दोनों जा रहे हैं, चलो फिर चलते हैं। ये बाइक खड़ी अपने यहाँ, हम फिलहाल पहुँच चुके हैं ये शॉप है पिज़्ज़ा कॉटेज, ये बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा हमने अभी इसमें से पता क्या डिसाइड किया, अभी मुझे जो है ना ये पसंद है पिज़्ज़ा बर्गर, 240 का पिज़्ज़ा बर्गर है। या सोच रहा हूँ ये डील ले लूँ, एक जिंगर बर्गर, एक रेगुलर फ्राइज और एक रेगुलर को। तो अभी डिसाइड करते हैं क्या खाना है, क्वालिटी अच्छी और चीप प्राइस में। हाँ तो अभी डिसाइड करते हैं। फाइनली जो है हमारी डील पहुंच चुकी है, ये एक पिज़्ज़ा बर्गर है साथ 3 नगेट्स हैं, एक जिंगर बर्गर है साथ 3 नगेट्स हैं और एक ड्रिंक है कोका कोला। तो ये काफ़ी मज़े का, ये मुझे ज़्यादा मज़े का लग रहा है, मुझे भी यही मंगवाना चाहिए। तो चलो मैंने ये मंगवा दिया, कोई बात नहीं अभी इसको खाते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ भाई शेयर करना ये पिज़्ज़ा बर्गर का। चलो तो यार अभी हमने खा लिया है, ये दुकान जो है ना दुल्हा भट्टी शहीद चौक के बिल्कुल सामने है लाहौर ब्रोस्ट के। बुरा तो बताया, पहुंच चुके हैं हम फिलहाल घर, साइड लुक लगा लेते हैं, रुको जरा। और तो फिलहाल आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छा बना होगा, शायद उम्मीद ही करता हूँ क्योंकि पता नहीं है। लेकिन अभी जो है फिलहाल हम आज के जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, शायद ही अच्छा बनाओ। दूसरी दफा कह दी यहीं पे एंड करता हूँ एक दफा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, ओके अल्लाह हाफिज़। यार जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, सब्सक्राइब कर दो, ये नीचे बटन दिख रहा है लाल वाला, इसको थोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, थुक सुटो इसके ऊपर जो भी मर्जी करो, लेकिन ये दबना चाहिए। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे ज़्यादा, तो क्या हाफ़ी लव सब्सक्राइब कर देना।